आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची संत और गृहस्थ सब, श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे, एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है, अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौवरी पतित तो हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे? तुम प्रभु के त्रिगुणातीत मार्ग के पथिक हो तो शास्त्र और गुरु रूप से वो प्रेरणा कर रहे हैं।